दिशा में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं उत्तराखंड गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ, तो आज की जो मेरी रेसिपी है वहीं की है। इन्हें हम स्वाले कहते हैं और बेसिकली आलू की पूड़ी है और इनको हम किसी भी त्योहार जैसे होली दिवाली में बनाते हैं। तो आज मैं लेके आ रही हूँ इन्हीं स्वालों की रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और नीचे रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके लिए हमें चाहिए एक कप आटा, दो मीडियम बॉइल्ड आलू, दो बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक से दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, एक बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ती और तलने के लिए तेल। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा लगाएंगे। आटे को ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड लगाना है, नॉर्मल पूड़ी के आटे की तरह हमें लगाना है। तो जिसके लिए एक परात में आटा, नमक और दो बड़े चम्मच तेल डालकर इसे सबसे पहले सूखा ही मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सूखा मिला लिया है और अब मैं इसे पानी की मदद से गूंदूंगी। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। और इसके लिए हमें आटे को ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट लगाना है, हमें नॉर्मल एक पूड़ी जैसा आटा लगाना है। तो यहाँ पर मैंने सभी आटे को इकट्ठा कर लिया है। ध्यान रखिए, जितना आटा हमारा अच्छा लगेगा उतने ही अच्छे हमारे स्वाले बन के आएंगे। और अब हथेलियों में थोड़ा सा पानी लेकर इसके ऊपर लगा ले और इसे एक कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख दे। तो यहाँ पर आटा लग के तैयार है और अब हम इसके लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए एक मिक्सिंग बाउल में इन आलुओं को ग्रेट कर ले। तो यहाँ पर मैं इन आलुओं को ग्रेट कर रही हूँ जिससे कि इन आलुओं में कोई लम्स या गुठलियां ना रहे और हमारे स्वाले इसकी वजह से फटे ना या ये बाहर ना निकले। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है और अब इसमें नमक, चिली फ्लेक्स, अमचूर पाउडर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है और हमारी स्टफिंग बनके तैयार है। तो यहाँ पर हमारा आटा भी सेट हो चुका है और अब हथेलियों में थोड़ा सा तेल लेकर मैं इस आटे को एक बार फिर गूंदूंगी। आटा और स्टफिंग लग चुकी है तो अब कढ़ाई में तेल को गर्म होने रख दें और अब इस आटे से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, जिसके लिए थोड़ा से आटे को हथेलियों के बीच में रखते हुए गोल गोल घुमा लें और इसकी लोइयां बना लें। आप लोइयों को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने सभी लोइयों को तैयार कर लिया है और अब एक लोई लेकर इसे लगभग कचौड़ी के साइज का बेल लें और अब इसे हथेलियों में लेकर दबाते हुए एक गहरा गड्ढा सा बना लें। और अब इसमें तैयार की गई आलू की स्टफिंग को डाल दें। इसमें लगभग एक छोटा चम्मच जितनी स्टफिंग डालें और अब इस स्टफिंग को अंदर दबाते हुए आटे को इसके ऊपर चारों तरफ से कवर कर लें और अब इसे हथेलियों के बीच घुमाते हुए लोई सी बना लें। अब इसे सूखे आटे में लगा लें और अब हम इसे बेलन की मदद से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए बेल लें और ज़्यादा प्रेशर ना दें, नहीं तो आपकी पूड़ी फट जाएगी। और अगर आपको बेलने में दिक्कत आ रही है तो बीच बीच में सूखा आटा भी लगा ले। तो यहाँ पर मैंने इसे पूड़ी के साइज का बेल लिया है और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप चेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर तेल हमारा गरम है और जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाए इन स्वालों को तेल में डाल दें। और जैसे ही आप इन्हें डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ये ऊपर आ रहे हैं, तभी आप इसे छुएं और करछी की मदद से इसे हल्का हल्का दबाते हुए इसे सेक लें। नीचे की तरफ से ये हो गई है तो इसे पलट लें और दूसरी तरफ से भी सेक लें। मीडियम फ्लेम में लगभग 30 से 40 सेकंड में आप देखेंगे कि स्वाले दोनों तरफ से सिक गए हैं और अब आप इसे निकाल कर एक प्लेट पे रख दें। और इसी तरीके से आप बाकी स्वालों को भी स्टफिंग करके उन्हें तेल में सेक कर बाहर निकाल लें। तो यहाँ तैयार है हमारे उत्तराखंड स्पेशल स्वाले। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे नेटिव गढ़वाल से ऐसी और रेसिपीज देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।